विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा स्वास्थ्य योजना के नाम पर हमें क्या मिल रहा है विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कैंप 2 संतोषी पारा में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन की उपाध्यक्ष सुमित्रा मांझी ने की। स्वास्थ्य योजना के नाम पर हमें क्या मिल रहा है, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कैंप 2 संतोषी पारा में किया गया। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन की ओर से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित्रा मांझी ने की। संगोष्ठी के पूर्व सुमन शील सहित संगठन से जुड़े लोगों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया और महिलाओं से चर्चा की गई और क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट के वितरण को लेकर महिलाओं से जानकारी ली। सुमन शील ने महिलाओं को संबोधित भी किया। संगोष्ठी को लेकर सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल्याण सेवा जनजागृति संगठन द्वारा संतोषी पारा कैंप 2 में शासन की योजना क्या हमें मिल रहा है विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अवसर पर जहां पर यहां के स्थानीय लोगों द्वारा अपनी बातों को रखते हुए यह बताया गया कि जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के माध्यम से मिलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र से जो रेडी टू ईट फूड जो दिया जाता है वो निम्न स्तर का होने के कारण उन रेडी टू ईट को बच्चों को खिलाने के बजाय उन रेडी टू ईट को जानवरों को खिलाया जा रहा है। यह एक दुखद समस्या है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और इस संगोष्ठी के उपरांत जब हम लोग क्षेत्रवासियों के पास जाकर इस संबंध में जानकारी लिए तो कई लोगों ने यहाँ बताया कि जब रेडी टू ईट को खिलाया जाता है तो उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं जिस कारण रेडी टू ईट को जानवरों को खिलाते हैं। संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ आयोजन पर काफ़ी लोगों ने अपनी बातों को रखा और शासन प्रशासन को जो समस्याओं के संबंध में जानकारी संगोष्ठी के माध्यम से मिला है उसे तत्काल जिला कलेक्टर के माध्यम से और प्रदेश शासन को अवगत कराया जाएगा। बहरहाल संगोष्ठी में काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। सभी ने संगोष्ठी के माध्यम से अपने विचार रखे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।